भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूरे होने पर जिला पंचायत जालौन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन कराया गया, जिसमें प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जय कुमार जैकी ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों को स्वच्छता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो सहित 8 अनेक मामलों की शपथ दिलाई। आइए हम सब एक संकल्प लें और कंधे से कंधा मिलाकर नए भारत का निर्माण करें, जिस पर हमारे अमर स्वतंत्रता सेनानियों को गर्व हो। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, आतंकवाद मुक्त भारत का। आज संकल्प से सिद्धि, संकल्प का शीर्षक आज के कार्यक्रम का शीर्षक था, और उसमें पंचायतों के साथ संकल्प दिलाना था और संकल्प दिला करके गांव की दशा और दिशा को सुधारने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है, उसी के तहत ही आज चूँकि महात्मा गांधी जी 1942 में देश के अंदर अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का जो नारा दिया था, आज उसी का संकल्प है कि यह देश के लोगों, देश के विकास के लिए, देश के अंदर भ्रष्टाचार के लिए, देश से आतंकवाद को मिटाने के लिए, देश को स्वच्छ करने के लिए, इसके लिए जो संकल्प दिलाया है, उसी का आज ये कार्यक्रम था। लगातार 5 साल तक 1922 तक का संकल्प दिलाया है, 1922 तक देश को इन सब चीज़ों से मुक्त दिलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री किया था। हर दिन 24 घंटे लोग काम करेंगे, कोई एक दिन के लिए नहीं बैठेगा। अगर कोई उसकी शिकायत करेगा तो जरूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल करूंगा औचक निचल, लेकिन अगर शिकायत कराएंगे तो उसकी जांच करा दूंगा और जांच करा के कार्रवाई कर दूंगा। किसी मुलाकाती से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सरकार प्रयास कर रही है और कर्मचारियों की कमी को हम लोग महसूस करते हैं और सरकार भी महसूस करती है, लेकिन जैसी भी सरकार की व्यवस्था होगी आगे चलेगा। अभी 4.5 माह हुआ है, लेकिन 4.5 माह के अंदर लगातार हम लोग सुधार की ओर चल रहे हैं।